ये छठ घाट तोड़ने वाले गोबर जिंदा है लोग जो वोट मांग रहे हैं, मैं छिपा कर नहीं बोलता। और गोबर को मेरे सामने जेपी चौक पर वो दुकान भी है, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं रखना चाहता, जो वोट मांग रहा है राम मंदिर और भगवान के नाम पर, वो लोग गोबर को मलमूत्र कहते थे। और कहते थे कि जिस स्थल में मलमूत्र की पूजा होती है उसमें क्या रहना, जीवन भर का एक फोटो दिखाइए, एक साक्ष्य दिखाइए जो असली अपने को भगवाधारी कह रहे हैं। वो कभी किसी मंदिर में गए हो, कहीं भगवान पड़ा हो, वो तो धन्यवाद कहिए मैडम हेना साहब का, इन्होंने कम से कम पूजा करा दिया, भगवान झंडा दिला दिया। यहाँ साहब दीन साहब रहे 30 साल तक इस सिवान की शख्सियत बन के, कहीं मंदिर नहीं तोड़ा गया, दिल नहीं तोड़ा गया। और ये वो लोग हैं जो भगवाधारी कह रहे हैं। नकली और असली कब होता जब हम बदलते। आप बताइए 20 दिन पहले, एक महीना पहले टिकट अनाउंस होने के बाद भी जो लोग असली भगवाधारी है, क्या उनके गले पर भगवा था, मेरे पर था और मरने के दिन तक। जिसने 100 राजपूतों के घर विवाह बनाया है, 100 ब्राह्मणों के घर विवाह बनाया है, 1000 लोग होंगे यहाँ दलित बस्ती के लोगों से पूछिए, जिस घर में विवाह नहीं बना वहाँ मुकदमा लगवाया है, एक महिला 15 साल से इस सिवान में मजदूरी कर रही है। मैं नहीं था तो नहीं था, था हूँ तो हूँ। और 15 साल की मजदूरी का परिणाम आपको देना है। बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिस कैंडिडेट का वो जिंदाबाद कर रहे हैं उस कैंडिडेट का चुनावी अभिकर्ता मऊ जिले से आया है। हेना जी, जितने यहाँ कैंडिडेट हैं, अभी हमने 1 महीना विचार किया और जितने कैंडिडेट हैं सिवान में सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं, और इनके साथ सभी लोग हैं, इवन मेरे साथ रहने वाले 100% लोग हैं, इसलिए सबको छोड़कर मैं अकेले नहीं रह सकता। कौन ऐसा लम्हा था कि आपने फैसला किया कि मेरे साथ साथ आए, कौन सा लम्हा था? कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का आप साथ है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात। बीए बीकॉम बीएससी MA MCOM करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसर्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। सिवान में नकली भगवाधारी कौन है मैं मन से आपको बताऊंगा, अभी भी बता दे रहा हूँ। एक आई है जोगी जी की बहन लड़की चाची, उनको बताना चाहिए कि वहाँ राम मंदिर बना है, उसमें उनका क्या योगदान है। मैंने खुद चंदा किया, मेरे परिवार ने चंदा दिया है, सांसद कविता सिंह ने चंदा दिया है। ये छठ घाट तोड़ने वाले गोबर जिंदा है लोग जो वोट मांग रहे हैं, मैं छिपा कर नहीं बोलता। और गोबर को मेरे सामने जेपी चौक पर वो दुकान भी है, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं रखना चाहता, जो वोट मांग रहा है राम मंदिर और भगवान के नाम पर, वो लोग गोबर को मलमूत्र कहते थे। और कहते थे कि जिस स्थल में मलमूत्र की पूजा होती है उसमें क्या रहना, जीवन भर का एक फोटो दिखाइए, एक साक्ष्य दिखाइए जो असली अपने को भगवाधारी कह रहे हैं। वो कभी किसी मंदिर में गए हो, कहीं भगवान पड़ा हो, वो तो धन्यवाद कहिए मैडम हेना साहब का, इन्होंने कम से कम पूजा करा दिया, भगवान झंडा दिला दिया। यहाँ साहब दीन साहब रहे 30 साल तक इस सिवान की शख्सियत बन के, कहीं मंदिर नहीं तोड़ा गया, दिल नहीं तोड़ा गया। और ये वो लोग हैं जो भगवाधारी कह रहे हैं। नकली और असली कब होता जब हम बदलते। आप बताइए 20 दिन पहले, एक महीना पहले टिकट अनाउंस होने के बाद भी जो लोग असली भगवाधारी है, क्या उनके गले पर भगवा था, मेरे पर था और मरने के दिन तक। बिल्कुल है, वो हमारे दिल में है, मरने के दिन तक रहेंगे। और कुछ अजय सिंह हमारे दिल में है, और व्यास सिंह, कर्णजीत सिंह जो भी बने हैं बड़का खेवनहार राजपूतों के दरौदा के विधायक, वो हमारे दिमाग में है। सबका जवाब संजय सिंह भी जो राजपूत के बहुत बड़े चेहरे हैं, वो भी संजय सिंह हमारे वो भी आई है, हमारे घर के हैं और हमारे बगल के पंचायत के मुखिया हैं। मैं उनके साथ नहीं था तो नहीं था, और आज से एमएलसी जदयू के एमएलसी उन्होंने कहा जिसकी चर्चा आनंद मोहन के, मैं उनका सिपाही हूँ, हमारे गुरु आनंद मोहन है, हम छिपा कर रहने वाले नहीं है, हमने गुरु बनाया है सहरसा जाकर, सबको पता है यहाँ जितने लोग हैं। आनंद मोहन के 15-16 साल जेल में रहने के दौरान कुछ नकली वाला आना पड़ता बन गए थे,
जो सिवान में आए थे और ये नीतीश जी के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे। आपको पता होना चाहिए महंगा प्रताप घूमने वाला 8 राजपूत लड़ रहे हैं इस प्रदेश में, वो कहाँ गए थे? वो उसके यहाँ वोट मांगने आए, तो उनको कोई नहीं पूछ रहा है, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। हेलीकॉप्टर से जमीन पर उसी दिन आ गए जिस दिन आनंद मोहन जैसा सेल बिहार के जेल से कैद से आजाद हुआ, और वो गाड़ी से घूमकर उसका वोट मांग रहे हैं जिसने 100 राजपूतों के घर बेवा बनाया है, 100 ब्राह्मणों के घर बेवा बनाया है, 1000 लोग होंगे यहाँ दलित बस्ती के लोगों से पूछिए जिस घर में बेवा नहीं बना वहाँ मुकदमा लगवाया है, और मेरे जिले का कोई ऐसा काम नहीं है, मेरा स्कूल छूटा है 2 महीने के लिए, मेरी सड़कें बंद हुई है 10 साल तक, कोई गांव नहीं है जहाँ के दलित वर्ग के 10-20 परिवार मुकदमों में नहीं है। बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि जो अभी भागवा पहन का ओढ़ है वो 12 मास पहन के घूमेंगे, 12 मास नहीं सोने के समय तक रहने वाला साथ है। और उसके बाद सुनिए, बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिस कैंडिडेट का वो जिंदाबाद कर रहे हैं उस कैंडिडेट का चुनाव भी अभी करता मऊ जिले से आया है। पूरे भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की कमी हुई थी, कम पढ़े लिखे व्यास सिंह थे, ज्यादा पढ़े लिखे मंगल पांडे थे, सर्टिफिकेट वाले संजय बाबा थे, किसी को माना था मऊ का आदमी उनका इलेक्शन एजेंट थे, वो बीजेपी के आशीर्वाद से कविता सिंह वोट मांगेगी, मैं एनडीए के लिए मांग रही हूं, वोट मांग रहा हूं, वो अपनी निष्ठा से अपने निष्ठा के साथ है, मैं भी अपनी निष्ठा के साथ। किसका विश्वास होगा? हेना जी, जितने यहाँ कैंडिडेट हैं अभी हमने एक महीना विचार किया और जितने कैंडिडेट हैं सिवान में सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं, और इनके साथ सभी लोग हैं, इवन मेरे साथ रहने वाले 100% लोग हैं, इसलिए सबको छोड़कर मैं अकेले नहीं रह सकता। कौन ऐसा लम्हा था कि आपने साथ फैसला किया कि इतने सारे साथ आए, कौन सा लम्हा था? कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का आप साथ है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात। आता है जेडीयू के आप मेंबर भी हैं। देखिए, एक मर्द मुजाहिद शख्स पैदा लिया सिवान में जिसका नाम था शहाबुद्दीन, और वो एक दल के साथ रहे, उस दल के साथ रहे, सारी कठिनाइयों को झेलने, जिस दल में मरने के दिन तक शहाबुद्दीन साहब ने फसल किया रहा ना, माँ बेटे दर दर तक घूमते रहे, एक आवाज पर कहीं उस दल ने उठाया, और मैं जिस दल में हूँ मुझे उसका कोई कम नहीं है, उसमें भी एक सिवान का पराक्रमी शख्स अजय सिंह के साथ मैं रहा हूँ, और मरने के दिन तक इस दिल में अजय सिंह रहेंगे। उनके दल ने भी उनकी पत्नी को ऐसे समय में साथ छोड़ा जिस दल को समर्थन देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कविता सिंह ने बनाया था, उन्होंने जगमातो देवी को विधायक नहीं बनाया था, जगमातो देवी ने वो सरकार बनाई थी, उनका दल भी उनको धोखा दिया, इनका दल भी उनको धोखा दिया, तो सभी दलों में दल दल देख कर मैं निर्दल के साथ हूँ और दिल के साथ हूँ। मैं अपने दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, भतीजा, भतीजी, चाचा, सखी, सलहरी, सबको संदेश देना चाहता हूँ। एक महिला 15 साल से इस सिवान में मजदूरी कर रही है, मैं नहीं था हूँ तो हूँ, और 15 साल की मजदूरी का परिणाम आपको देना है, एक बार आपको साथ देना है, सिर्फ एक बार का। मैं और एक और चीज जान लीजिए, किसी भी तरह की बात हो रही है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जिला, पढ़े लिखे विद्वानों का जिला माना जाता है, दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों सिवान के साथ जुड़ा है, राजेंद्र बाबू के नाम से सिवान को जाना जाता है, और आज राजेंद्र बाबू के नाम से जानने का मतलब इसलिए नहीं कि वो कैद परिवार में जन्म दिए, मेरे घर के बगल में 1 किलोमीटर जन्म दिए, इसलिए कि राजेंद्र बाबू विद्वान, और विद्वानों का सिवान आज एक आपके यहाँ कैंडिडेट दलों की बात आप कर रहे हैं, एक ऐसी महिला को दे दी गई है, बगल में चेयरमैन नीलावती गिरी जी बैठी, महिला राजनीति में होती है उसको कितने सजग रहने की जरूरत है इनसे अधिक कोई नहीं जानता, पुरुषों से अधिक सजग रहना चाहता रहना पड़ता। मंटी जी रुकिए, और यहाँ दलों ने जो कैंडिडेट दिया है वो एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जिसके साथ मुझे फैसले को मजबूर किया जा रहा था, राजेंद्र बाबू का नाम रखकर आप, हम और हमारे बच्चे, आने वाली कई नस्लें और पीढ़ियां और पहले वाली पीढ़ियां गर्व करती थी, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी, और आप एक कैंडिडेट आई है समुद्र मंथन के बाद विष बनकर, लड़की चाची, लड़का चाचा की पत्नी, अब का कहते रही तो यू जब कहते रहो हंसाई लगा, हम उनका के सुने के बड़ी प्रयास करी हम उनके साथ हम खड़ा रहे कि ना, अब का हम कहीं हमारा तो कहूँ मैं उतना भाषा हमारा नहीं थे मालूम कहा था। सेना का हमने
वर्तमान सांसद जब यहाँ संसद में चिहाड़ती थी हर सत्र में बोलने का सौभाग्य मिला, हम वीडियो डालते थे, लोग वाह वाह करते थे। आज की अगर सांसद गलती से आपकी गलती से अगर चली गई तो जब वीडियो पड़ेगा लोग कहेंगे कि राजेंद्र बाबू के सिवान को क्या हो गया, लोग पूछेंगे कि पढ़ा लिखा सिवान कहाँ पहुंच गया है, और सब हंसेंगे। फेराम का लिखना पड़ेगा आपको, आ करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हम वो करने वाले नहीं। अब एमए है, एमबीए है, मेरे दादाजी बीएचयू से पढ़कर मास्टर रहे, हेड मास्टर रहे, मेरे पिताजी मास्टर रहे, हमारा जमीर अलाउ नहीं किया कि ऐसी महिला को हमको कहना पड़ेगा ना मंच पर चढ़ के सुजोग शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार के पक्ष में। सेकेंड में उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, और जहाँ वो खड़ा होते ही पिछवा एक जारी क्या की लाके आ गई, हो रो क्या की जल्दी से घबरा सर, सेकेंड सॉरी बढ़ाओ सर, कुछ बोल बोलते सही सर, सिवान भर के लोग हंसने लगे। दुर्भाग्य से अभी सिवान भर के लोग हंसा था, अगर वो लोग गलती करते देश भर के लोग सिवान भर। टिकट कटने से आप नाराज है? कोविड बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है, वो नाराज हो या नहीं हो मैं नाराज हूँ। मंत्री जी कल से आप पर आरोप लगा कि आप भी नकली भगवदारी हैं। आप मुझे जानते हैं, पांच सालों से देख रहे होंगे या दस सालों से देख रहे, ये उतार कर मैं यहाँ भी नहीं आया, लेकिन मेरी गाड़ी पर अभी भी झंडा लगा हुआ है, वो झंडा मैं उतार कर एक दिन महागठबंधन में भी मैं था, डेढ़ साल था, उस दिन भी मैंने अपना झंडा न गाड़ी का और न गले का उतारा नहीं है, कुछ भी इस पर नया नहीं चढ़ा है। ये सिवान में नकली भगवाधारी कौन है मैं मन से आपको बताऊंगा, अभी भी बता दे रहा हूँ। एक आई है जोगी जी की बहन ललकी चाची, उनको बताना चाहिए कि वहाँ राम मंदिर बना है, उसमें उनका क्या योगदान है। मैंने खुद चंदा किया, मेरे परिवार ने चंदा दिया है, सांसद कविता सिंह ने चंदा दिया है, ये छठ घाट तोड़ने वाले